जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से। जर्रा गूंज रहा है यहाँ उपस्थित हमारे नेता पूर्व विधायक आदरणीय श्री राजमणि पांडे जी, पार्टी के हमारे कई बार के ब्लॉक प्रमुख, पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे निवर्तमान प्रदेश सचिव आदरणीय श्री किशनदर सिंह जी, सदर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके समाजवादी चिंतक आदरणीय श्री चंद्रभूषण मिश्रा जी, नौजवानों के नेता सदर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके भाई महेंद्र यादव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई महादेव यादव जी, पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे भाई निवर्तमान हामिद साहब, जमील अहमद साहब, भाई छोटे सिंह भैया से लेकर के इंद्रावती शुक्ला जी, सुमन सिंह जी से लेकर के जावेद पिंडाई जी, जोखुलाल यादव जी, रजोंद भाई, घनश्याम भाई, भाई चंद्रिका यादव जी, भाई हासिम भाई, सद्दू भाई, रियाज भाई, फूलचंद राजभर जी, रामकृपाल यादव जी, आमिष जी से लेकर हमारे साथी भाई एपीएन का उपाध्यक्ष है आदित्य यादव, ब्लॉक प्रमुख बस्ती सदर से लेकर मोहन साहब से लेकर रामकिशन चौधरी जी से लेकर के और भाई राम प्रकाश चौधरी जी अच्छी संख्या में आए, भाई विजय विक्रम आर्या जी से लेकर सभी साथियों का, सलीम साहब जो हमारे सदर विधानसभा के अध्यक्ष हैं इनका लेकर के और आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों को इस बात को लेकर बहुत बहुत बधाई कि बारिश का कहर खास करके गरीबों का जीना दूभर कर दिया था, लेकिन बधाई दूंगा अपने राष्ट्र आपको देने की जरूरत है, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, एक नारा लगा दीजिएगा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, योगी मोदी ताना साहेब ये सरकार निकम्मी है। इन्हीं शब्दों के साथ फूलचंद जी आइए संभालिए और नारा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को भी देखा है और इस उत्तर प्रदेश में भी हमने बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी की सरकार को भी देखा था, क्योंकि उस समय भी मैं जिला अध्यक्ष था और मैंने पूरे बहुजन समाजवादी पार्टी की जितने दिन की गवर्नमेंट थी उतने दिन की गवर्नमेंट में मैंने बहुत चढ़ करके विपक्ष की भूमिका हमने निभाई थी। राष्ट्रवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुखर हो चुके हैं और निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश की जनता आई है, आने वाले दिनों में 2022 में निश्चित तौर पे अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा हम समाजवादियों का मानना है। राष्ट्रवाद जुर्म जास्ती के सवाल पर धोखाधड़ी के सवाल पर और जिस तरीके से ये गुंडागर्दी चल रही है प्रदेश में, यही बनारस में 7-7 हत्याएं, यही तमाम जगहों पे अपराधी खुलेआम गोली चला दे रहा है, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में कभी नहीं थी। आज इनका जो ये कहना है कि एनकाउंटर, तो तमाम निरीह लोग एनकाउंटर में पकड़ करके मारे जा रहे हैं। हम प्रशासन के लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि होश बदल लो, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकारों का कोई ठीक नहीं, कब कल जनता का मूड इसके पक्ष में घूम जाए इसका कोई भरोसा नहीं है और
मैं मानता हूं कि 22 में प्रदेश की जनता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। साथियों, इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया और 11 बजे से यह कार्यक्रम चल रहा है। 2 बजे का समय था ज्ञापन देने का, 2:30 बज चुका है, इसलिए बहुत सारी बातों को जो आप लोग की धरना दी गई थी, आपकी क्या मांग थी? आज पूरे प्रदेश में महंगाई, लूट, हत्या, बलात्कार पूरी तरीके से संस्थागत रूप ले लिया है, जिसके विरोध में आज यहाँ पर बस्ती तहसील सदर में जो है उसके विरोध में विशाल धरना आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की नीति और नियत को स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने यहाँ विशाल धरना दिया। जिस तरीके से योगी मोदी सरकार ने और उसमें बैठे मंत्री और विधायक आए दिन बेटियों का आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है, प्याज की दरें आसमान छू रही है, आज कहीं ना कहीं गरीब लोगों के आगे से थाली का निवाला जो है पूरी तरीके से कोसों दूर होता जा रहा है। यही हमारे क्षेत्र के वाटरगंज शुगर मिल का विषय ले लीजिए। आप बताइए, योगी मोदी जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पूरे देश में एक भी चीनी मिलें नहीं बंद होगी, लेकिन मैं ही विश्वास के साथ बताना चाहता हूं आप लोगों को, यही बगल वाटरगंज शुगर मिल है, पिछले 2 साल से बंद पड़ी हुई है, किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया, 3-3 साल हो गया, कर्मचारियों का वेतन का भुगतान नहीं हो पाया और पूरे प्रदेश में गड्ढा युक्त सड़कें, जिससे आए दिन शिक्षा जाने वाले बच्चे आए दिन गड्ढे में गिर करके घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, और 3 साल हो गया यही मेन जो शहर को जोड़ने वाली अमहाड़ पुल है, 3 साल हो गया वाटर अमहाड़ पुल जो है नहीं चल पाया। ये कमियां जो है सरकार की लोगों के सामने जनता जनार्दन को बता करके और जनता जनार्दन को जिस तरीके से भ्रमित कर करके वोट लेने का काम किया है, उसके विरोध में जन आंदोलन यहाँ हुआ। सर, आज आपने देखा हूँ प्याज का माला पहने रखे हुए है जी। इस महंगाई में प्याज तो महंगा हो ही गया है, लेकिन जब इनकी सरकार नहीं थी तब ये भी प्याज पे बहुत बोल रहे थे, लेकिन इस समय तो चुप है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्याज पे बोलने का विषय अब उनका चला गया, क्योंकि वो सत्ता में आ गए हैं और सत्ता का जो है रस और जो है सुख लेने के फिराग में पूरी तरीके से उलझे हुए हैं। तो आज जरूरत है समाजवादियों की सड़क पे उतरने का, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेटियों के आबरू का मुद्दा हो, और चाहे अस्पताल से लेकर के और विद्यालय का मुद्दा हो। आज बता दीजिए, जिस तरीके से प्राइवेटीकरण कर दिया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में जितनी भर्तियां थी प्राइवेटीकरण कर दिया गया, उसके विरोध में आज कहीं ना कहीं जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है, और उस आक्रोश को जनता के बीच में बताने के लिए हमने प्यास का समता आवाज टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।